हेलो गाइज, मैं खुशी वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। एक नेता के भावुक संदेश को पढ़कर नरेंद्र मोदी की आंखों में आ गए आंसू। इस संदेश में ऐसा क्या है जिसके कारण नरेंद्र मोदी इमोशनल हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ पहुँचा पाएँ। और अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो न्यूज़ प्लीज़ जाते जाते लाइक और शेयर ज़रूर करते जाना और एक कमेंट ज़रूर करना हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसके बारे में जान के कैसा लगा आपको। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। पीएम नरेंद्र मोदी ने दूसरी शपथ ग्रहण कर ली है और इसके बाद वो अपने नए काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और उसके साथ ही सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, इन्होंने मोदी ने 2014 में उनको विदेश मंत्री बना दिया था। और विदेश मंत्री, जैसे कि हमारे लोग यहाँ पर होते हैं और बाहर की कंट्रियों में जाते हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उनकी हेल्प के लिए ये हमेशा ही बैठी है, उनको कॉन्टैक्ट करती है। पहले सुषमा स्वराज पहले बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी लेटर के थ्रू बाहर के लोग उनको कांटेक्ट करते थे और वो उनकी मदद करती थी। 2014 में जब वो विदेश मंत्री बनी तब उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए, जैसे कि पासपोर्ट में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए, उनको चेंज करके इजी से इजी बनाया कि लोगों को कुछ तकलीफ ना हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए, या वीज़ा के थ्रू वो कुछ ना कुछ, मतलब कि उनको वीज़ा मिलने में ज़्यादा तकलीफ ना हो, ये चीज़ें भी उन्होंने चेंज की। पर इस बार उनकी हेल्थ खराब होने के कारण चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, और हिस्सा नहीं लिया तो उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि 2014 में जब उनको विदेश मंत्री बनाया था तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और वो चाहती हैं कि आगे भी अच्छा काम होता रहे। और वो जीत की खुशी, नरेंद्र मोदी की जीत की खुशी के लिए भी बधाई दी उन्होंने, और उन्होंने बोला कि उन्होंने उनको जो काम दिया था उसने बहुत बाखूबी निभाया है और आगे भी वो ऐसे ही हमेशा समाज सेवा भी करती रहेंगी और वो चाहती हैं कि आगे भी ये सब चीज़ें होती रही, अच्छी होती रही जो चेंजेस आई हैं, और आगे भी लोगों के लिए ये चेंजेस आते रहें, अच्छे चेंजेस आते रहें, वो उसकी आशा करती हैं। बजरंगी भाईजान, कौन नहीं जानता इस मूवी के बारे में, मतलब कि उस मूवी में इतना प्यारा, इतना सब चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि लोग उस मूवी को अगर आज भी देखते हैं तो रो पड़ते हैं। ऐसी ही कुछ चीज़ पाकिस्तान में हुई थी, एक लड़की फंस गई थी, इंडिया की एक लड़की फंस गई थी, ना तो उसके माँ बाप थे वहाँ पर और ना ही कुछ चीज़ उनको वहाँ से लेके आने के लिए। उसके लिए सुषमा ने अपने दिल जान लगा दिया उसको ढूंढने के लिए। इस मूवी के बाद वहाँ के लोगों ने शायद उनको कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके उनको उसके बारे में बताया, और सुषमा खुद जाके पाकिस्तान उसको लेके आई वापस और उसकी मदद की। सुषमा स्वराज भारत की दूसरी विदेश मंत्री हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, सबके लिए बहुत ही अच्छा काम किया। जो 5 साल में इनको जो काम दिया था इन्होंने उसको बखूबी निभाया है, और हम आशा करते हैं कि इनकी हेल्थ अच्छी रहे और ऐसे ही ये आगे काम करती रहे, लोगों की हेल्प करती रहे। इसी के साथ हम लोग इनको आज भी सल्यूट करते हैं। अगर आप लोगों को भी उनका काम अच्छा लगा जो उन्होंने 5 साल में किया और एक लड़की को पाकिस्तान जाकर बचा के लेके आई, तो प्लीज़ आप भी एक कमेंट सल्यूट करके ज़रूर कीजिए कि उन तक भी पहुँचे, और इतना कीजिए कि हम उनको कितना चाहते हैं, और वैसी महिला हमारे यहाँ पर होनी चाहिए और हमारी केयर करने के लिए होनी चाहिए। तो एक कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपने इसके साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई खबरें पहुँचा पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।